संदीप शर्मा के करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी के बाद ओपनर यशस्वी जायसवाल के शतक से राजस्थान रॉयल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में सोमवार को यह मुंबई इंडियंस को 9 विकेट से हरा प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने की ओर मजबूत कदम बढ़ाए। इस जीत से राजस्थान रॉयल्स 8 मैच में से 7 जीत के साथ 14 अंक हो गए और अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है और वहीं बढ़त बनाई हुई है। मुंबई के 8 मैच में 3 जीत से सिर्फ 6 अंक हैं और टीम 7वें स्थान पर चल रही है। संदीप शर्मा की उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। मुंबई के 180 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए जायसवाल नाबाद 104 रन से जोश बटर 35 के साथ पहले विकेट के लिए 74 रन जोड़े। इसके बाद कप्तान संजू सैमसन ने 28 गेंदों में नाबाद 38 रन, 2 छक्के और 2 चौके के साथ दूसरे विकेट के लिए 109 रन की अटूट साझेदारी की। इससे राजस्थान रॉयल्स ने 8 गेंद शेष रहते ही विकेट पर 183 रन बनाकर जीत दर्ज की। जायसवाल ने 60 गेंद में अपनी पारी में 9 चौके और 7 छक्के मारे। इससे पहले मुंबई इंडियंस ने तिलक वर्मा 45 में 3 छक्के और 5 चौके से 65 रन बनाए और अर्धशतक। वहीं निहाल वडेरा 49 के साथ उनकी पांचवें विकेट के लिए 99 रन की साझेदारी से खराब शुरुआत से उभरते हुए 9 विकेट पर 179 रन बनाए। वडेरा ने 24 गेंद का सामना करते हुए 4 छक्के और 3 चौके मारे। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से संदीप शर्मा 18 रन देकर 5 विकेट झटके अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी की। 10 बॉल 32 रन पर 2 विकेट लिए और उनका अच्छा साथ निभाते हुए 2 विकेट चटकाए। युजवेंद्र चहल 48 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया। वहीं आवेश खान 49 रन दिए और एक विकेट हासिल किया, लेकिन दोनों काफ़ी महंगे साबित हुए।